इंदौर में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक घर और दुकानों को निशाना बनाने वाले बदमाश अब भगवान के घर में चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बदमाश ने गुरुद्वारे में एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार बार चोरी की घटना को अंजाम दिया और दान पेटी से करीब 1,00,000 रुपए की राशि लेकर फरार हो गया। इंदौर शहर में चोरों के हौसले बुलंद। बदमाश ने गुरुद्वारे को बनाया निशाना। एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार बार की चोरी। दान पेटी से उड़ाई 1,00,000 रुपए की राशि। दरअसल घटना इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अमितेश नगर स्थित गुरुद्वारा माता साहब कौर की, जहां एक बदमाश ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले आरोपी 22 जून दिन, 23 जून रात और 26 जून के अलावा एक अन्य दिन गुरुद्वारे में दर्शन करने का बहाना बनाकर पहुंचा और फिर मौका देखते ही दान पेटी से नगद राशि चोरी कर फरार हो गया। आरोपी की ये करतूत गुरुद्वारे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर गुरुद्वारा प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। माता साहिब कौर गुरुद्वारा नाम है अमितेश नगर में। यहाँ पे हमको चारों पहले ही देखा था कि ऊपर सिक्का डाला तो टक की आवाज़ आई, तो जो कि गोलक पूरी बड़ी हुई थी तो टक की आवाज़। हमने चेक करा और उसके बाद वीडियो देखे तो वीडियो में चार बार चोरी करके आया और चोरी करते हुए क्लियर उसके अंदर पहुँच आ गए और तकरीबन 1,00,000 रुपया उसके अंदर पड़ा हुआ था चेक, जो कि चोर ले गया और चार बार अलग अलग जगह टेंट पर लेके गया। नहीं नहीं 22 तारीख को आया दिन में, 23 तारीख की रात को आया, 26 तारीख की रात को आया और एक दिन पहले आया था जिसकी हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी। सब दिन रोज हर बार रुपये लेके गया, कितना का तकरीबन 1,00,000 रुपये करीबन है। तो क्या आपने इसकी क्या लग रहा आपको कोई पहचान की? नहीं, वो चोरी की क्लिपिंग में पूरे एक ही आदमी लड़का चारों बार वही आया, नहीं पहचान नहीं हमारे को, उसको पहचानते नहीं। क्या ये जो स्थान है
नहीं दर्शन करने के बहाने, चोरी के बहाने आया ना दर्शन, क्या सीधे आकर आते से आते गोला खोलने लगा, जैसे एक्सपर्ट बंदा तो रोज देखा होता ना, आते से उसको हटा रही और वहाँ से तोड़ गया और रात को चोरी भी कर गया उसके अंदर पैसे निकाल गया, और पैसे निकालते वक्त बनियान के अंदर सारे भरते गए, सारे उसके क्लिपिंग में दिखाया गया पूरा उसमें दिखाया गया। जो श्रद्धालु आते वो भेंट चढ़ाते वो ले गया बोलो, जो दान पेटी के अंदर जो पैसा रहता है ना जो लोग चढ़ाते हैं वो सारे पैसे ले गया। एफ आई आर दर्ज करा दिया। आपका नाम बता? रविंद्र सिंह खंदुचा। आप क्या है यहाँ पर? अपने सेकंड में। फिलहाल पुलिस ने गुरुद्वारा प्रबंधन की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं देखने वाली बात होगी कि एक के बाद एक चार बार चोरी करने की घटना को अंजाम देने वाले इस आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।